कहते हैं तीर्थों के दर्शन करने से पुण्य मिलता है, लेकिन अगर किसी दूसरे को तीर्थ के दर्शन कराए जाएं तो अधिक लाभ मिलता है। इसी बात को मानते हुए श्री मेहंदीपुर बालाजी जन सेवा समिति सादतपुर प्रतिमा मेहंदीपुर बालाजी के निशुल्क दर्शनों के लिए एक बस की व्यवस्था करती है। इस बार नव वर्ष के अवसर पर उन्होंने एक सुंदर कांड का आयोजन भी बालाजी में रखा, जिसमें श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण निशुल्क सुंदरकांड समिति पश्चिमी करावल नगर ने मनभावन सुंदरकांड पाठ किया। इसके आचार्य श्री हरीश पपने ने अपनी मधुर वाणी से लोगों को तृप्त कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। हनुमान जी महाराज जी बहुत ही पवित्र पावन आज का दिन 10/2018 का प्रथम शनिवार विगत वर्षों की भांति सादतपुर जन सेवा समिति मेहंदीपुर बालाजी जन सेवा समिति की बहुत ही कर्मठ और हनुमान जी के अनन्य प्रिय भक्त संदीप भाई द्वारा जो विगत पिछले साल में 8 जनवरी को यहाँ पर बालावली चरित्रों में हाजी लगाने का सौभाग्य मिला था, आज पुनः 2018 की इस पवित्र पावन मेला पर 6 जनवरी 2018 के दिन पुनः हम आज वहां के चरणों में पधारे हैं। एक बार सभी अपना उठा लीजिए और प्रेम से बोलिए बाजी प्रभाले बालाजी महाराज की। प्यारे भाई बहनों, थोड़ा मौसम की वजह से बस में लेट पहुंची और कुछ कार्यक्रम भी बस लेट शुरू हुआ, लेकिन हम लोग रोज मस्ती मारते हैं, लेकिन आज बाबा के चरणों में यहाँ 2-2.5 घंटे मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और मेरा सबसे निवेदन है कृपया, बहुत सुंदर व्यवस्था इस समिति ने की है और भगवान ने भी आज बहुत अच्छा मौसम बना दिया। कल तक तो लग रहा था कि मौसम क्या बिगड़ेगा, लेकिन बालाजी महाराज की अशीष कृपा से आज बहुत बढ़िया मौसम। आइए हमारे संत धर्म में जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं सर्वप्रथम वृद्धि करता सिद्धि करता विघ्न के हर्ता भगवान अपने चरणों में हाजिर रहते हैं कि हे प्रभु आपकी आशीष हमारे कृपा से आज हमें बाबा के दरबार में आने का मौका मिला है, इसलिए आप इस कार्यक्रम पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाना, वृद्धि करना सिद्धि करना विघ्न को हरना। तो ये चलते हैं वृद्धि करता सिद्धि करता विघ्न के हर्ता भगवान अपने चरणों में बड़े सुंदर भाव बड़े भक्त भाव बड़े प्रेम भाव से श्री गणपति विघ्न विनाशन यत धर्म भुजन में सफल करियो सफल करियो जय गणेश जय गणेश हर श्री गणेश देवा Oh,
प्यारे भाई बहनों, युद्धि करता सिद्धि करता विघ्न के हरता भगवान गणेश के चरणों में हाजिर बनाते हुए आज जो संकट मचे हनुमान जी महाराज ने इस बालाजी महाराज के दरबार में हम सब को बुलाकर और श्री सादतपुर जनसेवा समिति को जय जोत जलाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आइए उसी हनुमान जी महाराज को बाबा के मंदिर से यहाँ बुलाने के लिए निवेदन करते हैं कि बाबा वैसे तो पूरी राजस्थान की धरती आपकी चरणों की धरती है, जहाँ जहाँ भी आपका प्रकाश फैलता है भारतवर्ष समय, लेकिन आज आपकी कृपा से हम लोग इस राधे रुक्मिणी सेवा सदन के अंदर बाबा का अपना पाठ कर रहे हैं, इसलिए ही बाबा इस पाठ पधारने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। तो आइए उसी बाबा को निमंत्रण देते हैं पाठ के लिए। अब बहुत बढ़िया मौका है भाई बहनों, आज जो चाहते हैं बाबा जी महाराज आपके सिर पर हाथ रखें, उठाए हाथ, उन्होंने चाहते हैं बाबा आपके आप सिर पर हाथ रख के उठाए हाथ और मेरे संग बोलिए भाई बाला जी महाराज तेरी जय हो तेरे महाराज श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे बालाजी महाराज तेरी जय हो दिनों रात, मैं सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। भाई बहनों समझ लेना, यदि मैंने बाबा के दरबार तक हम लोग पहुंच गए तो समझ लेना बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया, इसलिए प्रेम से बोलिए मैं परवाने बालाजी महाराज की जय हो।
पवित्र पावन मेला वर्ष 2018 का आज पहला शनिवार है। श्री बालाजी जन सेवा समिति सदतपुर ने जो आज मेहंदीपुर के इस पवित्र पावन भूमि पर अपने बाबा की जो जलाई है और जो हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुत ही पवित्र पावन मेला है। सुंदरकांड का जो कार्यक्रम होता है वो कृष्णा कांड के 29 दोहे से प्रारंभ होता है। तो आइए हम सब लोग कृपया पुस्तक ले रहे हैं सभी लोग और 2-2.5 घंटे बिल्कुल यहाँ पर साइलेंट बैठेंगे, सिर्फ सुंदरकांड की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, यदि यहाँ आकर के भी हम 2-2.5 घंटे शांति पूर्वक पाठ को सुने नहीं, पढ़े नहीं, मना नहीं करें तो फायदा नहीं आने का। इसलिए भाई बहनों ये मेरा आपसे निवेदन है। तो आइए कृष्णा कांड के 29 दोहे से आज के सुंदरकांड में प्रवेश करें। सभी लोग पुस्तक ले लीजिएगा। आप सबको नमन करते हुए आइए बड़े सुंदर भाव से। श्लोक 6 छंद 7 दोहे और 526 चौपाइयां हैं।
चाहता है इस सुंदरकांड को पढ़ने से, करने से, गाने से, सुनने से होता क्या है। इस सुंदरकांड के पाठ को एक अमोघ अवस्था माना गया है। इस पाठ को करने से, कराने से, पढ़ने से, सुनने से ग्रस्त जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति तथा जीवन में जितने कष्टों का आगमन होता है उन कष्टों का निदान हो जाता है तथा हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का, उनसे भक्ति प्राप्त करने का, उनसे शक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान सरल साधन सुंदर कांड को माना गया है। एक बात और भी है भाई बहनों, क्योंकि आज की भागव माँ की जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, क्योंकि रामकथा करानी हो जी। संस्था से 5 साल से जुड़े हुए हैं और अपनी संस्था को हमने 2 साल से तैयार किया है, जो कि हमारा वार्षिक जो सुंदरकांड का प्रोग्राम है वो इस बार का सेकंड टाइम का प्रोग्राम है, जो कि आज बहुत अच्छे दिन में हुआ है और जिसको पूरा कराने के लिए हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया है और हम हर महीने फ्री सेवा अपनी तरफ से लेके जाते हैं जो कि हमारे सदस्य द्वारा चलाई गई है। मैं संस्था से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये बाला मेहंदीपुर बालाजी जनसेवा समिति निशुल्क बस सेवा है। क्या आज का कार्यक्रम सुंदरकांड का वार्षिक कार्यक्रम था जो बहुत ही अच्छा रहा, सभी के सहयोग से, सभी के योगदान से, जिसमें हरीश भाई साहब का बहुत ही धन्यवाद है, जो उन्हीं की वजह से ये काम सम्पन्न हो पाया है। ये हमें पिछले 2 साल हो गए हैं। इसकी शुरुआत बस ऐसे ही हो गई थी, बाबा की इच्छा हुई और हम लोगों का प्रण हुआ, इसकी शुरुआत हो गई। कितने लोग जुड़े थे आपसे? उस टाइम हमारे पास 28 लोग जुड़े हुए थे जो आज भी हैं। संस्था से हमारे 28 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ अभी भी आज आप भी आ जाए। वैसे जो आज यहाँ हम लोग आए हैं, ये स्थान हनुमान जी का स्थान है। यहाँ आने के बाद समस्त संकटों का निवारण होता है। हनुमान जी महाराज संकट के निवारण करता है। कोई विपत्ति, कोई किसी को दुख तकलीफ होती है, यहाँ आने के बाद टल जाती है। और आज जो हम यहाँ पधारे हैं, यहाँ आए हैं, ये जो सादतपुर की समिति है जो प्रत्येक महीने यहाँ बस लेके आती है,
उन्होंने दूसरी बार सुंदरकांड हमसे कराया है। मेरे साथ मेरे ही प्रधान सचिव खड़े हैं, इनका नाम डंबर चौधरी डंबर सिंह, ये कुछ अध्यक्ष हमारे संस्था के सुनील त्यागी, ये मुख्य व्यवस्थापक हैं हमारे संस्था के, जय सियाराम जी नाम है, और ये हमारे संस्था के संरक्षक महोदय हैं उदय शर्मा जी, इनका नाम है। और इस कार्यक्रम को सुबह बनाने में मुझे सहयोग मिलता हमेशा, मेरे साथ में ये मोहन जी हैं, ये बिल्कुल आज इन्हें फ्री ऑफ सेवा दे रखी है, संगीत महाविद्यालय से इन्होंने तानसेन से बीए कर रखी है। और इधर आप देख रहे हैं ये हमारे इसके संदीप भाई के बहुत प्रेमी हैं, और ये आज काशीपुर से यहाँ आए, विशेष रामनगर से, रामनगर, ये हमारे श्याम भाई, ये हमारे नारायण भाई हैं, आपने देखा होगा जब पाठ चल रहा था तो ये बिल्कुल राजस्थानी टोपी, राजस्थान से बिलोंग भी करते हैं और राजस्थान में आए हैं, वेशभूषा राजस्थान की थी। तो हमारा जो भी आज यहाँ कार्यक्रम हुआ इसमें सब लोगों का सहयोग रहा है, सब लोगों की कृपा रही है। और ये जो लड़का है अंकित, इसने भी संकल्प लिया है कि हम बाबा की सेवा में जब यहाँ आएंगे तो इंसुल पेट बजाएंगे। तो ये सब लोगों के आज सब लोगों की कृपा से विशेष तौर से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इसी तरीके से जो आपने आज ये बस सेवा चला रखी है, हनुमान जी हम सबको सद्मार्ग करें, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, हमारी बुद्धि में ऐसी चीज डालें कि हम हर साल हमेशा जिस तरह से कार्य करते आए हैं ऐसे करते रहेंगे। और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बावजूद में, आप सबको नमस्कार, एक बार साथ उठाइए और प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दो साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसकी बुनियाद 2016 के अंदर जनवरी से स्टार्ट हुई थी और आज हम हर महीने ले इसको बढ़ावा दे रहे हैं और हर महीने निःशुल्क सेवा से हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं। हमारा जो एक महत्वकर्त कर्तव्य है बालाजी महाराज की सेवा करना और यात्रियोंगण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। दूसरी बात, आज हमारे यहाँ वार्षिक कार्यक्रम हुआ सुंदरकांड का, बहुत आनंदीय हुआ, सबका सहयोग मिला, भरपूर आनंद मिला उससे। और हम आगे अनुरोध करते हैं कि अगली साल आने वाले साल में भी हमें इतना ही आनंद मिलेगा और इस तरह से सेवा करते रहेंगे। और हम सबसे अनुरोध है कि इस संस्था से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और हमसे जुड़ने का प्रयास करें। जय बाबा की।